के पलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सीएम और डिप्टी सीएमओ लखीमपुर खीरी पलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक ही पहुंच गए, जिन्हें देखकर चिकित्सकों सहित पूरे स्टाफ में हड़कंप मच गया। और उधर मानदेय न मिलने से परेशान आशा बहू ने सीएमओ के सामने अपनी मानदेय दिलवाने के लिए गुहार लगाई, परंतु दूसरी ओर अचानक ही एक आशा महिला फूट फूट कर रोने लगी। दरअसल पलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए आज सीएमओ जावेद अख्तर और डिप्टी सीएमओ वीवी राम औचक निरीक्षण करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां जानकारी मिलते ही चिकित्सकों और स्टाफ में काफी गर्मागर्मी का माहौल बना रहा। इस दौरान सीएमओ जावेद अख्तर ने चिकित्सकों के रजिस्टर चेक किए और साथ ही उन्होंने एक मीटिंग कर स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के बारे में सभी को जानकारी दी, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान आशा बहू ने अपनी जनवरी से न मिलने वाले विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत मानदेय दिलवाने की सीएमओसी से गुहार लगाई। परेशानी, आप उन पर आरोप लगा रही है कि वो पैसे लेते हैं, क्या है? हमने कहीं नहीं कहा पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे मरीज हमें जांच लेके आए थे, वो उसने कहा कि लो तुम तो मुंह उठा के चली आती हो, पूरे बेला लेके आती हो। किसने कहा आपसे? वो एम्बुलेंस ने। नाम बताइए उनका। नाम अच्छा, ये बताइए ये कब से चल रहा है सर? ये हो गया है 15 दिन हो गए। अच्छा, कौन एम्बुलेंस वाले? ये हमको पता नहीं, लेकिन वहाँ मेरे को एक से दो प्लेयर तो फिर वो यहाँ से गए थे, दो मरीज थे उसकी दो छात थी, अभी लेट आए हैं। अच्छा, ये बताइए, मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू भर रहे हैं, क्या है ऐसा, क्या कारण रहा है जो आपकी आंखों में आंसू? बात हुई है क्या? क्या बात हुई है ये बताइए, आप मीडिया को बताइए, मीडिया आपकी बात को ऊपर तक ले जाएगा।